तीन हफ्तों पहले रिलीज हुई बाहुबली द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस ही नहीं विदेश में भी धूम मचा दी है। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है बाहुबली और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है बाहुबली देखी या नहीं। बच्चा हो या बूढ़ा, लड़की हो या लड़का, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बाहुबली न देखी हो। कई लोगों को तो बाहुबली इतनी पसंद आई कि उन्होंने 2 से 3 बार यह मूवी देख ली। लोग इस फिल्म के बारे में बात करते नहीं थक रहे। फिल्म में कई यादगार सीन भी हैं जिनकी लोग तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से सारे रिकॉर्ड तोड़ते आ रही बाहुबली के इतने फैंस हैं कि वो दिन हो या रात सिर्फ इसी की चर्चा करते रहते हैं। बेंगलोर में एक बाहुबली फैन संघ नाम से 1000 लोगों का संघ भी बन चुका है जो कि सिर्फ बाहुबली से जुड़े हुए तथ्य डिस्कस करते हैं। संघ के अध्यक्ष राहुलेंद्र बाहुबलियन ने फेकिंग न्यूज को बताया, लोग शाहरुख के फैन हैं, सलमान के फैन हैं, वैसे ही हमने बाहुबली फैन संघ बनाया है। पहले ही दिन तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इसके मेंबर बन चुके हैं। राहुलेंद्र के करीबी दोस्त इस संघ के सदस्य नहीं हैं। बताया जाता है कि वे देश छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। हमने राहुल के दोस्त शमीम से बात करने की कोशिश की। उनके दोस्तों ने बताया कि शमीम किसी भी हालत में बात करने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से शमीम बात करने को तैयार हुए। उन्होंने बताया कि मैं इन बाहुबली फैंस से इतना परेशान हो चुका हूं कि क्या बताऊं। जब से मूवी रिलीज हुई है तब से दिमाग खा रहे हैं। जब 2 साल पहले बाहुबली आई थी तब भी कई दिनों तक दिमाग खाया था, पर इस बार तो हद हो गई। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब लोग ये ना पूछ रहे हों कि बाहुबली देखी या नहीं। कहीं बाहर किसी से बात करो या फिर किसी को फोन लगाओ, बस यही सवाल। ट्रेन में भी लोग बाहुबली का पायरेटेड वर्जन देख रहे होते हैं और पता नहीं क्या हर बात पर जय महिष्मती बोलते रहते हैं। मैं इन सब से तंग आ चुका हूं, इसीलिए सोच रहा हूं किसी ऐसे देश चला जाऊं जहां बाहुबली रिलीज नहीं हुई हो। अब और नहीं झेल सकता मैं। शमीम ने यह भी बताया कि वे अमेरिका जाने वाले थे पर वहां भी बाहुबली की चर्चा ही हो रही है।